स्वागत है आपका सॉफ्टवेयर इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्विल ईआरपी में करंट स्टॉक और शॉर्टेज सरप्लस स्टॉक को किस तरह रिकनसाइल किया जा सकता है अगर हमारे पास स्टोर में स्टॉक कम है लेकिन रिकॉर्ड में अधिक क्वांटिटी में शो हो रहा है तब हम करेंट स्टॉक के अकॉर्डिंग स्टॉक रिकनसाइल कर सकते हैं स्विल आर सॉफ्टवेयर में हम फार्मेसी स्टोर के स्टॉक को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इजीली मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं प्रोसेस में सबसे पहले सॉफ्टवेयर के मेन्यू बार में जाकर एडजस्टमेंट मेन्यू ऐसी शॉर्टेज सरप्लस आरोप क्लिक करते हैं इसके बाद रिकनसाइल करेंट स्टॉक की विंडो ओपन होती है यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट ऐसी प्रोडक्ट एड करके बैच नंबर फिल करते हैं इसके बाद एक्चुअल स्टॉक ऐड करते हैं जो हमारे पास फिजिकली है एक्चुअल स्टॉक ऐड करने के बाद शॉर्टेज और सरप्लस स्टॉक ऑटोमेटिकली शो होगा साथ ही सेव और प्रिंट ऑप्शन से डेटा को सेव और प्रिंट किया जा सकता है और प्रोडक्ट की रिकनसाइल हिस्ट्री भी यहाँ शो हो जाती है तो ये था आर आरपी में करेंट स्टॉक और शॉर्टेज सरप्लस स्टॉक को रिकनसाइल करने का प्रोसेस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट करना ना भूले थैंक यू